हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तनीशास क्रिएटिविटी। आज हम एक क्राफ्ट करने वाले एक ऐसे छोटे बॉक्स के तो मैं ऐसा एक बॉक्स ले रही हूँ, उसको चार ही इससे साइड से कट कर रही हूँ मैं, और मेरे पास एक ब्लू पेपर है, मैं उसको सब तरफ से स्टिक कर रही हूँ। और ये जो नीचे वाला है उसको हम ऐसे सेलो टेप होता है वो मैं मतलब लगा देती हूँ, जिससे वो ढीला नहीं होगा। देखो मैंने लगा लिया है। अब मैं फेविकॉल ले रही हूँ और उसके चार रोही साइड्स पे ऐसे ग्लू लगा रही हूँ, आप देख सकते हो। फ्रेंड्स ये ट्राई करो, बहुत इजी है और बहुत क्विक है ये। देखो मैंने रैप भी कर लिया, पीछे का ऐसा रिमेनिंग है, मतलब ऐसे ढीला हुआ है, तो कुछ उसको काटो मत, फिर वो और ढीला होगा। उसको चारों साइड से मैं जैसे कट कर रही हूँ वैसे कट कर दो, देखो। और फिर मैं उसको ऐसे करके उस पर एक सेलो टेप लगा देती हूँ। देखो फ्रेंड्स मैंने लगा लिया है। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास एक स्केच पेन है, ब्लैक स्केच पेन, ब्लैक ही लो, दूसरा कलर मत लो, ब्लैक से अच्छा दिखता है। हमारा मेरा ऐसे लूज हुआ इसलिए मैं ऐसा करूँ, आपका टाइट अच्छा हुआ तो आप मत करो, मेरा लूज हुआ तो मैं ऐसे कर रही हूँ। और अभी मैं उसको थोड़ा जाड़ा बना देती हूँ जिससे वो और अच्छा दिखेगा। देखो फ्रेंड्स मैंने जाड़ा बना लिया है। और अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं उधर लिख रही हूँ माय क्राफ्ट बॉक्स। ओके, तो मतलब कभी कंपटीशन होने तो किधर भी जाना हो तो हम इस पे पेंसिल कलर्स इसमें भर के लेके जा सकते। तो इसको डेकोरेट करने के लिए मेरे पास एक रेड ग्लिटर पेन है, उससे मैं ऐसे छोटे छोटे हार्ट्स निकाल रही हूँ। आपको फ्लावर निकालना है तो फ्लावर भी निकाल सकते हो। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैंने निकाल दिया है। और अभी देखो, और मेरे पास कुछ ऐसे स्टिकर स्टोन्स हैं, तो मेरा मन है कि मुझे मिकी माउस का लगाना है, स्टिकर स्टोन्स नहीं लगाने हैं। देखो फ्रेंड मैंने स्टिकर लगा लिया है, देखो कितना सुंदर लगा है ना। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन आते रहेगी। देखो कितना सुंदर दिख रहा है, ऐसा मैं बोल रही हूँ, स्मॉल किट, क्राफ्ट किट, तो आप किधर भी लेके जा सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहो और सब्सक्राइब करो पार्ट 2 के लिए, मतलब दूसरे क्राफ्ट के लिए। बाय।